हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए हम लोगों ने तैयार किया है कुछ कटा हुआ प्याज, बीन्स एंड गाजर। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी पास्ता को बॉईल करने के लिए हम लोगों ने गैस पे पानी चढ़ाया है। हम लोग इस पानी पे थोड़ा सा तेल मिलाएंगे ताकि वो पास्ता चिपके नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का पानी गर्म हो चुका है। पास्ते को थोड़ा सा गर्म पानी में डालना चाहिए ताकि वो खिला खिला रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग का पास्ता बॉईल होके निकाल के रखा हुआ है तैयार। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी हम लोग इसमें तेल डालेंगे। चलिए, हमारे तेल गर्म हो चुके हैं, अभी हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। कटा हुआ बीन्स भी डालेंगे और गाजर भी। दोस्तों, हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से पकाएंगे और आप लोग चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने नहीं डाला है। फ्रेंड्स, हम लोग इस सब्जी को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें पास्ता डालेंगे जो बॉईल करके रखा हुआ है हम लोग। दोस्तों, हम लोग अभी इसमें पास्ता डालेंगे और सब्जी के साथ फ्राई करेंगे। अभी हम लोग इसमें डालेंगे नमक। अभी इसमें जाएगा मैगी मसाला। अभी हम लोग इसमें डालेंगे टमाटो सॉस और पास्ते के साथ अच्छी तरह मिला लेंगे। डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, ये ऑप्शनल है दोस्तों, आप लोग चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। दोस्तों, हम लोग का पास्ता लगभग रेडी है, हम लोग अभी इसको निकाल के सर्व करेंगे। ये हम लोग का पास्ता अभी सर्व होने जा रहा है प्लेट पे, गर्मा गर्म पास्ता। फ्रेंड्स, हम लोग का पास्ता हो गया सर्व खाने के लिए तैयार। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आप लोग भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मैं करता हूँ पास्ते को ट्राई चाय के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर दोस्तों एंड हैव ए गुड डे।